स्वागत है आपका कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में किसान भाइयों कहावत है ना काल करे सो आज कर आज करे सो अब जी हाँ ये कहावत भी तो लागू होती है हमारी खेती पर भी जैसे कि अब आने वाले समय में हम अपने खेतों से रबी की फसल लेंगे तो क्यों ना रबी में आदान की बीजों की व्यवस्था के विषय में हम पहले से जानकारी हासिल कर लें पूरी व्यवस्था कर लें तभी तो जब बीज अच्छे होंगे तो आने वाली फसल भी हमें भरपूर पैदावार देगी तो चलिए क्यों ना इसी विषय पर चर्चा करते हैं आज के अंक में कि रबी में बीज की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए इस विषय को लेकर आपको सलाह देने के लिए आए हुए आज हमारे एक विशेष अतिथि जो कि हैं डॉक्टर एस एस भटनागर ये मुख्य बीज तकनीक सलाहकार हैं आशा से पूर्व क्षेत्रीय राष्ट्रीय बीज निगम भारत सरकार मध्य प्रदेश से आए हुए हैं नमस्कार सर स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में और किसान भाइयों आपको भी नमस्कार जी सर सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि बीज और खाद्यान्न से क्या मतलब है क्या तात्पर्य है इस विषय का देखिए बीज और खाद्यान्न वैसे ये है कि किसान अपने बीज भी इस्तेमाल करते हैं अपने बीज से इस्तेमाल ये है कि वो पिछले वर्ष में जो उत्पादन लेते हैं फसलों का उसमें से कुछ ऐसे अच्छे बीज या अच्छे साफ़ सुथरे करके रख लेते हैं हाँ उसका उपयोग करते हैं जी। तो देखा जाए तो वो भी एक खाद्यान्न में हाँ से ही उसका सुरक्षित मात्रा है लेकिन जो एक अच्छे बीज और प्रमाणित बीज से तात्पर्य ये है कि ऐसे बीज या किसी किस विशेष फसल में ये जो हम गुणवत्ता वाले बीज इस्तेमाल करते हैं उनसे अधिक से अधिक उत्पादन किसानों को मिल सके तो ये इस प्रकार के जो हम व्यवस्थाएँ करते हैं बीज उत्पादन और वितरण की वो बीज आ, से तात्पर्य ये है कि एक तो ये है कि उसकी अनुवांशिक शुद्धता यानी जैसे किसी किस्म का हम कहते हैं लोकवन है या जी एस तीन है सोयाबीन में या विभिन्न विभिन्न किस्में हैं तो उन किस्मों की एक निर्धारित उत्पादक क्षमता होती है उसके आधार पर किसान को अधिक से अधिक बीज फसल उत्पादन प्राप्त हो सके तो ऐसे बीजों के इस्तेमाल करने के लिए हम हर तरीके से उसकी बोनी से लेकर और अंतिम रूप देने के लिए हर तरह की वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हैं और उसमें सुनिश्चित करते हैं कि प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर हाँ उस फसल के पौधों की संख्या उतनी आवे और उस किस्म से उसको अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके ये बीज हम उसको बीज श्रेणी में रखते हैं उत्तम श्रेणी में और एक विशेष बात ये है किसान भाइयों कि बीज वो है जो जीवित है जैसा मानव जीवित होता है उसमें श्वसन प्रक्रिया होती है इसी प्रकार बीजों में भी एक श्वसन प्रक्रिया निहित रहती है इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब हम फसल काट के भंडारण कर देते हैं और उसको दो दिन के बाद बिना सूखाए अगर हम उसमें भंडारण करें और हाथ डालें तो उसमें एक बहुत तेज़ गर्मी निकलती है गर्मी का तात्पर्य है कि उस आ, ही, हीप में बहुत श्वसन क्रिया तेज़ हो रही है और उस श्वसन क्रिया से ही ये स्पष्ट है कि वो एक जीवित ऑर्गेनिज्म है और वो जीवित होगा तभी वो अंकुरण देगा अगर वो जीवित नहीं होगा तो अंकुरण उसमें नहीं, नहीं होगा तो ये इसका उद्देश्य या ये कहिए कि बीजों का और एक सामान्य खाद का अंतर है जी। जो उत्तम क्वालिटी के बीज होते हैं जो उच्च गुणवत्ता के बीज होते हैं उनका महत्व कितना होता है और उनके गुण कौन-कौन से होते हैं देखिए मैडम अभी मैंने जैसे किसान भाई को बताया कि बीज जो है बीज यदि अच्छा होगा हाँ जी। तो उसका उत्पादन बहुत अच्छा बहुत ज्यादा अधिक होगा यानी भरपूर पैदावार प्राप्त करने के लिए अच्छे बीज तो सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि कम से कम भी पंद्रह किसी किसी किस्म में पंद्रह प्रतिशत किसी में बीस और लगभग पच्चीस प्रतिशत तक भी किन्हीं किन्हीं फसलों के बीजों में उत्पादन की वृद्धि होती है तो एक बहुत बड़ा महत्व बीज का है और अच्छे बीज का गुणवत्ता यही है कि उसकी जो अनुवांशिक शुद्धता है जो पैतृक गुण हैं उसके किस्म के अनुसार वो बिल्कुल सही हों और शुद्ध हों उसमें किसी प्रकार के खरपतवार ना हों किसी प्रकार के अन्य फसलों के बीज ना हों कंकड़ और पत्थर और जो भी मिट्टी वगैरह वो उससे साफ हो और इसके अलावा एक निश्चित जाली से उसका हम छान करके उसको एक साइज़ में ले आए जिससे कि उसकी जो विग्रोसिटी है जिसकी उसकी, उसकी उत्पादक क्षमता है वो बनी रहे और अधिक रहे और इसके अलावा जो बीज है वो साफ़ सुथरा उतनी संख्या में मिले उसमें सोयल में कि प्रति एकड़ और प्रति हेक्टर उसकी पौधों की संख्या नियमित रहे तो ये उसका एक बड़ा बहुत बड़ा बहुत महत्व है डॉक्टर साहब जब आप ये समझा रहे हैं तो मेरे भी मन में एक बात आई है कि किस प्रकार से हम उसकी गुणवत्ता निर्धारित करते हैं क्योंकि अगर किसान भाई बोले कि मेरे पास बहुत अच्छा है लेकिन वही जब अगर हम उस कृषि विज्ञान केंद्र में जाए उस, उसके गांव के पास में तो कृषि विज्ञान केंद्र उन्हें कुछ और गुणवत्ता का देगा तो वो कैसे निर्धारित करें कि कौन सा अच्छा है या वो कैसे पता करें कि उनके पास सबसे अच्छा बीज है देखिए ऐसा है कि जब बीज हम तैयार करते हैं तो बीज की सबसे पहली कड़ी है कि उसके बीज की कौन सी किस्म है और उस किस्म को जो बीज प्रजनक है जो बीडर है वो करीब 10 से 12 वर्ष लगा करके के एक नई किस्म की ईजाद करता है हाँ और उस किस्म को ईजाद करने के बाद फिर वो किसानों तक उपलब्ध कराया जाता है इसमें ये है कि उस प्रजनक बीज को हम उन, 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 उन 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 यूनिवर्सिटीज या अनुसंधान केंद्रों से प्राप्त करके बीज उत्पादन कार्यक्रम में लाते हैं और उसको एक दो संस्थाएं इसमें निहित रहती हैं एक तो उत्पादक संस्था और दूसरी एक प्रमाणीकरण संस्था हाँ उत्पादक संस्था उसमें जो प्रक्रियाएँ उसके उत्पादन की है वो पूरी करता है और उस प्रक्रिया में जो उसकी गुणवत्ता की देखरेख और उसका जो परीक्षण रहता है वो एक प्रदेश में मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था कार्यरत है उसकी देखरेख में बोनी से लेकर के अंतिम बीज के पैकिंग तक उनकी उसमें तैयार किया जाता है जिससे कि उसकी शुद्धता अनुवांशिक शुद्धता और ये सब बनी रहे और इस इस प्रक्रिया में वो उत्पादक संस्थाओं का पंजीयन करता है और पंजीयन करने के बाद आधार बीज बोने के बाद या प्रजनक बीज से आधार बीज बोगा प्राप्त करेगा आधार बीज बोने के बाद प्रमाणित बीज प्राप्त करेगा प्रमाणित बीज जो है किसानों में वितरण के लिए जाता है जा। आधार बीज जनरली किसानों को वितरण में नहीं दिया जाता उससे पैतृक बीज के रूप में बीज का उत्पादन ही किया जाता है तो ये एक उसकी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में उत्पादक संस्थाएं नहीं थे और उसमें जैसे इसकी उत्पादक संस्थाएं प्रदेश में जो कार्यरत हैं केंद्रीय शासन की एक शासकीय संस्था है राष्ट्रीय बीज निगम मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश राज्य की है मध्य प्रदेश राज्य बीज फार्म विकास निगम हाँ गवर्नमेंट फार्म है यूनिवर्सिटी के फार्म है के वी के फार्म हैं और इसके अलावा एक बीज उत्पादक सहकारी समितियाँ प्रदेश में कार्यरत हैं जो करीब पच्चीस इसमें मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं वो बीज उत्पादन कार्यक्रम लेती हैं इन सबका बीज उत्पादन जो प्रक्रिया वो अपनाते हैं जो निर्धारित प्रक्रिया बीज प्रमाणीकरण संस्था उसकी निर्धारित करती है तो बीज निगम है और बीज उत्पादक संस्थाएं वो उसको पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता का बीज तैयार करके पहले खेतों में पैदा किया जाता है और खेतों में उसकी निरीक्षण के पश्चात फिर उसका प्रोसेसिंग किया जाता है टेस्टिंग किया जाता है जब उनकी अंकुर क्षमता और दूसरे जो उसकी भौतिक शुद्धता यदि माना का अनुरूप है तो बीज प्रमाणीकरण संस्था उस पर अपना टैग लगाती, लगाती है, जी। है और उत्पादक उसका 50 अप, अपना अपना हाँ साल हो चुके अध्ययन है और हमारे किसान खुशकिस्मती है कि आप उन्हें सलाह देने के लिए आए तो आप किसान भाइयों को ये बताइए कि बीज के प्रकार कितने होते हैं कि कितने प्रकार के बीज उन्हें समझ में आए और किन किन प्रयोग में आएंगे किस कुछ बीज को कैसे वो प्रयोग में लाएंगे मैं पहले ही बता चुका देखिये जो एक वैज्ञानिक है हाँ वो दस पंद्रह साल दस बारह साल लगाकर एक नई किस्म तैयार करता है वो एक मूलक बीज होता है जिसे हम न्यूक्लियस बीज कहते हैं वो मतलब उसमें उसमें व्यवसायिक नहीं आता फिर उससे प्रजनन के बीज तैयार किया जाता है वो भी वही जो वैज्ञानिक है ब्रीडर है जो उसका प्रजनक प्रजने, प्रजने, है वो वो उससे प्रजनक बीज तैयार करता है वो भी अपनी अनुसंधान में ही नीत रहता है उसके बाद वो बीज फिर व्यवसाय में बीज उत्पादक संस्थाओं के पास उनको गवर्नमेंट के माध्यम से शासन के माध्यम से मांग अनुसार पहले तीन वर्ष में मांग दी जाती है फिर वो उसको तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद फिर वो उत्पादक संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाता है जी, उसको बो बोने के पश्चात फिर उस आ, आ, प्रजनक बीज से आधार बीज यानी बीडर से, सीड से फाउंडेशन सीड तैयार होता है वो बीज प्रमाणीकरण संस्था जो इसके लिए निहित है उसी की देखरेख में तैयार होता है फिर ये बीज भी पैतृक है यानी प्रजनक से आधार ये पैतृक हुआ और आधार को बोने के पश्चात जब व्यवसायिक रूप से सभी संस्थाएं उसका प्र, प्रमाणित बीज तैयार करती हैं वो एक तीसरी श्रेणी हो गई और प्रमाणित बीज किसानों को फसल उत्पादन के लिए वितरित किया जाता है उसका उपयोग करके वो फसल लेते हैं जी तो ये बीज की दर कौन निर्धारित करते हैं और इस बार जो आने आगामी वर्ष है इसकी बीज दर क्या क्या होगी ये आप हमारे देखिए बीज की दर निर्धारण के लिए मुख्यतः वैसे तो इसमें दो प्र, दो प्रकार की संस्थाएं हैं एक तो शासकीय संस्थाएं हैं और एक निजी संस्थाएँ प्राइवेट कंपनियां भी हैं वो भी बीज उत्पादन करके वितरण करती हैं और शासकीय संस्थाएं भी अपना बीज उत्पादन शासन के लक्ष्यों को अनुरूप ध्यान में रखते हुए उसका दर निर्धारण करती हैं तो शासन की एक गठित कमेटी है जिसके अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त होते हैं उनके अध्यक्षता में विभिन्न संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं या डायरेक्टर्स हैं एम हैं उनके साथ मिल के सब निर्णय लेते हुए बीज बीजों की उपार्जन दर यानी जो किसान बीज उत्पादन करते हैं उनसे किस भाव से खरीदा जाएगा हाँ और किसानों को जो उपभोक्ता किसान है देखिए दो तरह के किसान हैं यहाँ पर किसान भाई एक तो बीज उत्पादक किसान जो संस्था के सदस्य हैं और वो बीज उत्पादन करते हैं और फिर संस्था के माध्यम से उसको वितरण में देते हैं दूसरा है उपभोक्ता किसान जो उस बीज को प्राप्त करके अपनी फसल बीज उत्पादन नहीं सॉरी बीज उत्पादन नहीं फसल उत्पादन करता है हाँ तो वो उप तो कहसान है तो उसके लिए विक्रय दर निर्धारित की जाती है तो इसके लिए इस वर्ष जो है जी। जो बीज दर निर्धारण हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों जो गेहूं की ऊंची किस्में हैं उसमें जो उपार्जन दर किसानों को कि, देखें यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये कर दूँ कि जो फसल उत्पादन है और बीज उत्पादन किसानों के माध्यम से ही किया जाता है तो बीज उत्पादन में कुछ ऐसे व्यय अधिक होते हैं जो सामान्य फसल उत्पादन में नहीं होते पैतृक बीज की कीमत है प्रमाणीकरण संस्था की कीमत है बोरों की कीमत है ट्रांसपोर्टेशन की कीमत है जो उसमें व्यवसाय में पैसा लगता उसका है उसका ब्याज है और इसके अलावा उसमें जो छः सात महीने के लिए भंडारण करते हैं उस, उसका उसका व्यय है ये सब मिला करके जो ब्याज आता है वो सब जोड़ने के पश्चात उसकी विक्रय दर निर्धारित की जाती है तो इस वर्ष जो गेहूँ की वि, विक्रय दर निर्धारित की गई हैं दूसरी अन्य फसलों की उसमें देखे जो किसान है चौबीस पचास रुपये का उपार्जन दर उसको दिया गया हाँ जी। और उसका विक्रय दर जो है सब खर्चे मिला करके चार हजार पचास रुपये निर्धारित किया गया अच्छा। अब ऐसे में जब कभी ऐसा होता है कि कीमत ज़्यादा आती है निर्धारण में तो उसके लिए कुछ अनुदान के भी प्रावधान रखे जाते हैं हाँ अभी इस वर्ष जो है गेहूँ पर कोई वितरण अनुदान नहीं दिया वितरण अनुदान का लाभ किसको प्राप्त होगा जो किसान उपभोक्ता है जो उसका लेकर के बीज बोएगा और फसल उत्पादन करेगा इसी तरीके से ये था ऊंची किस्म है, जिसे हम जिसको हम शरबती कहते हैं तो शरबती की कीमत ज़्यादा रहती है इसके अलावा जो बोनी किस्में हैं जो मतलब छोटी हाइट की किस्में हैं उनका उपार्जन दर रखा गया था इक्कीस सौ रुपये और इक्कीस सौ रुपये के बाद जो सभी वे आए उसको सभी योग करके उनका सैंतीस सौ रुपये प्रति क्विंटल And, uh, दर निर्धारण किया गया अरे भाई सुना नहीं क्या के ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है देश के छोटे किसान एक लाख साठ हजार रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया के सी का भी कोई दबाव ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है समय पर भुगतान करने पर केवल चार परसेंट के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे अपना आधार कार्ड लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी चाचा उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाए और सहजता से ऋण पाए यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी की नामरूप फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता अब इसी प्रकार यानी कि आपने समझाया कि शरबती जो है वो बयालीस सौ रुपए है फिर जो बोनी किस्म है उनका सैतीस सौ रुपए शरबती की कीमत जो है चार हजार पचास रुपए और जी? बोनी की है सैंतीस सौ रुपए लेकिन जो किसानों ने उत्पादन किया उनकी भी उपार्जन दर निर्धारित की गई है चौबीस सौ पचास उनको ऊंची किस्मों का है टॉल वाला शरबती वाला और जो बोनी किस्म है उसका इक्कीस सौ रुपए ये है चने का रखा गया है उनचास सौ रुपये उनको किसानों जिन्होंने उत्पादन किया और छासठ सौ रुपया छः हज़ार छः सौ रुपये उनका विक्रय दर रखा गया है इसी प्रकार मटर का चौंतीस सौ रुपये किसान को दिया जाएगा जो उत्पादन करेगा और पाँच हज़ार पचास रुपये विक्रय दर है जो किसान के लिए रहेगा इसमें थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको चने में चने की कीमत को ध्यान में रखते हुए ऐसा है कि जो उपभोक्ता किसान है उसको इतना ज़्यादा भार ना पड़े जिससे कि वो बीज को क्रय करने में परेशानी महसूस करे तो उसके लिए चने में शासन ने तैंतीस सौ रुपये का वितरण अनुदान जो किसान खरीदेगा उसको बोने के लिए हाँ उसको दो आ, आ, इसको दो क्विंटल के लिए तो उसमें जो वितरण अनुदान रखा गया है वो तैतीस सौ रुपये तीन हज़ार तीन सौ और किसान को पड़ेगा तीन हज़ार तीन सौ में ही प्रति क्विंटल पड़ेगा जो कि मार्केट भाव से आधे से भी कम, कम होगा इसी प्रकार मटर में चौंतीस सौ रुपये किसान को दे है जो उत्पादन कर रहा है पाँच हज़ार पचास रुपये जो विक्रय दर है वो रखी गई है मसूर में अड़तालीस सौ रुपये किसान जो पैदा कर रहा है बीज का ए, उसको दिया जाएगा और छः हज़ार पाँच सौ पचास रुपये उसकी विक्रय दर है इसमें अनुदान दिया गया है वितरण अनुदान तीन हज़ार दो सौ पिछहत्तर और जो उपभोक्ता किसान है उसको तीन हज़ार तीन सौ पैंतीस रुपये प्रति क्विंटल पड़ेगा इसी प्रकार सरसों का बीज चार हज़ार चार सौ पचास जो किसान उत्पादक है बीज का उत्पादक है उसको और जो क्रेता है उपभोक्ता किसान जो है वो उसको सड़सठ सौ रुपये छः और इसमें सरसों में 3350 सौ की अनुदान वितरण अनुदान दे करके उसको मात्र तीन हज़ार तीन प्रति क्विंटल में ही उसको प्राप्त होगा अलसी जहां पर उत्पादन ली गई है उसमें चार हज़ार का उपार्जन दिया गया है किसानों को और पाँच उसका विक्रय है इसमें भी वितरण दान दिया गया है दो हज़ार और जो उपभोक्ता किसान है उसको दो हज़ार में उसको आ, पड़ेगा जो आ, इसके अलावा एक जौ जो बारले है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बारले उसका भी उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है ये भी किसान लेते हैं उसका उपार्जन दर सोलह सौ रुपये रखा गया है जी। और इकतीस सौ पचास उसकी विक्रय दर रखी गई है इसमें वितरण दान पंद्रह रुपए है एक और एक में ही उन किसानों को जो उसको लेकर के बोना चाहेंगे उनको उसका पड़ेगा इसमें यह एक इस स्पर्श मैं करना चाहूँगा कि किस्में किस्मों का जो हम इजाद करते हैं उसको 10 वर्ष तक हम उसको वितरण में ला करके किसानों को प्रचलित करते हैं तो जो ये अनुदान है ये केवल 10 वर्ष तक की अवधि तक ही दिया जाता है 10 वर्ष की अवधि के बाद ये वितरण अनुदान या उत्पादन अनुदान दे नहीं है ऐसी स्थिति में ये एक सुझाव है कि किसान भाई आप वही किस्में अधिकतर इस्तेमाल करें जो नई किस्में हैं जिनका निश्चित रूप से पुरानी किस्मों के मुकाबले में तो मैं ये नहीं कहूँ पुरानी अच्छी थी वो भी अच्छी थी वो समय के हिसाब से लेकिन उसमें अनुवांशिक शुद्धा घटने के कारण उसमें जो है धीरे धीरे छीण होती हैं

कि हम सबसे पहले ये नि, 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 मतलब ये निर्धारित करते हैं कि हमको मांग कितनी है बीज की हमें वितरण कितना करना है मान लीजिए जैसे इस वर्ष आ, ये कह सकते हैं कि जनरली जनली रबी में एक लाख पच्चीस एक सौ पच्चीस लाख हेक्टर ए, एरिया लगता है और उसमें बीज की मात्रा लगभग नब्बे के लग नब्बे लाख के लगभग ज़रूरत पड़ती है तो उसमें ये हम निर्धारित करते हैं कि नब्बे लाख बीज में से हम केवल वन थर्ड यानी थर्टी परसेंट तक बीज अगर उपलब्ध करा देते हैं तो किसानों को तीन साल तक की उसकी राहत मिल जाती है जिसको हम बीज प्रतिस्थापन दर कहते, कहते हैं है। तो लगभग इस रूप में हर वर्ष रवि में लगभग हमें 25 से 30 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है हाँ तो 25 से 30 लाख क्विंटल की आवश्यकता के लिए हम हमारी व्यवस्थाएँ हमने की थी इसी वर्ष के लिए उसमें विभिन्न संस्थाएं जो बीज उत्पादन करती हैं जैसे बीज निगम राष्ट्रीय बीज निगम शासकीय प्रदेश यूनिवर्सिटी एन एस सी आई एफ डी डी पी आई पी सोसाइटी यानी बीज उत्पादक सहकारी समितियाँ एन एफ एल क्रिपको हॉर्टिकल्चर सब मिला करके इस वर्ष गेहूँ का हमारे पास जो है बीस लाख तिहत्तर हज़ार उपलब्ध है चने का हमारे पास दो लाख छप्पन हज़ार क्विंटल उपलब्ध है इसी प्रकार से मसूर का जो है पचपन हज़ार उपलब्ध है मटर का भी दो एरिया के हिसाब से सरसों का पंद्रह हज़ार चार, चार जी। अलसी और आठ हज़ार ये हमारी उपलब्ध होने की संभावना है, है जो बीज प्रक्रिया में है देखिए जहाँ तक बीज के उत्पादन की प्रक्रिया जैसा आप मैडम ने आपके जानने के लिए चाहा वही जैसा बीडर सीड हम लाए हाँ। बीडर सीड ला करके हमने एक वर्ष उत्पादन लिया आधार बीज मिला आधार बीज को बोने के बाद फिर उसके प्रमाणित बीज मिला ये प्रमाणित जो हम आपको आंकड़े बता रहे हैं प्रमाणित बीज के बता रहे हैं और इनको उत्पादन करने के लिए बीज प्रमाणित प्रमाणित बीज को कम से कम तीन या चार वर्ष लग जाते हैं शुरू से आखिर तक हाँ। हम सब अपना ये बना करके उसमें शेड्यूल बना करके बीज प्रमाणीकरण संस्था को आ, आ, देते हैं कि ये हम उत्पादन करेंगे से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और वो उसका बोनी से लेकर के जैसे ही बोनी शुरू होगी वो खेतों में बोनी से शुरू होगी जब फसल आ जाएगी उसका तीन बार फसल निरीक्षण करेंगे और जो किस्म है उसका अनुवांशिक शुद्धता चेक करने के लिए हर प्लांट को लगभग वो लाइनों में देखते हैं और देखने के बाद निश्चित करते हैं कि ये वो फला वेरायटी ठीक है वो जब कटेगी वो सूख सुखा तो कर आपको यहीं पर रुकना चाहूंगी क्योंकि घड़ी की सुई आप बता रही हैं कि हमारा समय पूरा हो चुका है आपकी जो अमूल्य जो बातें हैं हमारे किसान भाइयों तक अगले अंक में फिर हम पहुँचाने की जो चेष्टा करेंगे आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आपको नमस्कार किसान भाइयों खबरें खेती की में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी सबसे पहले देखेंगे प्रमुख खबरें महिलाओं के लिए है विशेष कृषि बढ़ रही है मांग किसानों को दे रही है लाभ धान में ध्यान रखे कीट निवारण का और कोरोना काल में किसान रखे अतिरिक्त सावधानी अब खबरें विस्तार से हमारे देश के कृषि कार्यों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं। कृषि संबंधित ऐसे बहुत से काम हैं जो केवल महिलाएं ही करती हैं बावजूद इसके कृषि कार्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश उपकरण पुरुषों को ही ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं लेकिन भोपाल स्थित कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने महिला किसानों के कार्यों को ध्यान में रख कर कुछ में ऐसे उपकरण बनाए हैं जिनसे महिलाएं किसानों के लिए काम आसान और सरल हो गए हैं खेतों में मेड़ बनाने का काम पहले जहां हाथों से किया जाता था वहीं अब हैंड रेजर की सहायता से महिलाएं आसानी से इसे कर सकती हैं राइज ड्राम सीडर जहां कतार से बीज बोने में सहायता करता है वहीं राइज ट्रांसप्लांटर पौधों की रुपाई में मदद पहुंचाता है खेतों में निदाई गुड़ाई का काम बहुत कम समय और कम मेहनत के जरिए महिलाएं इसे कर सकती हैं महिलाओं को ध्यान में रखकर हाथिए के आकार प्रकार और वजन में भी परिवर्तन कराया गया है लगभग एक घंटे में 35 किलो तक धान की गहाई का काम कोई भी महिला पेडी थ्रेशर की सहायता से कर सकती हैं सूखे भुट्टे के दाने निकालने के लिए बना मेज शैलार और मूंगफली फोड़ने का डिरेक्टर महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है इसी तरह से अन्य उपकरण भी संस्थान द्वारा बनाए गए हैं जिनका उपयोग कर महिला किसान बेहद खुश हैं आम पर ऐसा माना जाता है कि जौ का उपयोग पूजा पाठ किसी धार्मिक अनुष्ठान या जानवरों के आहार के लिए किया जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अध्ययनों से पता चला है कि जौ में ढेर सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है फाइबर से भरपूर जौ की मांग लगातार बढ़ रही है अब लोग जौ को अपने रोजमर्रा के भोजन में शामिल कर रहे हैं बाजार में भी जौ से बने ढेरों व्यंजन उपलब्ध हैं, साथ ही कुछ उद्योगों में भी जौ की भूसी का उपयोग बढ़ रहा है हमारे देश में जौ की खेती का रकबा आठ लाख हेक्टेयर है कम उर्वरा और जमीन पर जौ की अच्छी पैदावार होती है जौ की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर सौ किलो बीज की आवश्यकता होती है कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जौ की बुआई 22 से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार से करना चाहिए जौ की अच्छी पैदावार के लिए चार से पांच सिंचाई पर्याप्त होती है मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश बिहार गुजरात और पंजाब हरियाणा सहित कुछ अन्य प्रदेशों में भी जौ की अच्छी पैदावार होती है जौ की बढ़ती मांग और अच्छी कीमत मिलने के कारण बड़ी संख्या में किसान अब जौ की खेती के प्रति आकर्षित हो रहे हैं चावल दुनिया भर की आधी आबादी का भोजन है और हमारे देश के किसानों की आय का मुख्य स्रोत भी है हर साल कीटों और बीमारी की वजह से धान की फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है लेकिन किसान अगर थोड़ी सी सावधानी रखे तो इनसे आसानी से बचा जा सकता है धान की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए आई की एक प्रमुख तकनीक है जिसमें जमीन की जुताई अच्छे बीजों का चयन समय पर रोपण और खरपतवार निकालना रासायनिक और उर्वरों का संतुलित प्रयोग आदि शामिल है इसके लिए यांत्रिक तकनीक भी अपनाई जाती है जिसमें संक्रमित पौधों के हिस्से को हटाना और नष्ट करना कीटों का और लार्वा को नष्ट करना जैविक ट्रैप पीला ट्रैप का उपयोग कर कीटों को नष्ट करना आदि शामिल हैं। इसके साथ ही धान के कीटों को नष्ट करने के लिए जैविक नियंत्रण तकनीक भी प्रयोग की जाती है जिसमें ऐसी मकड़ियों और कीटों को संरक्षित किया गया है जो धान के कीड़ों को समाप्त कर देती है विशेषज्ञों का कहना है कि धान में लगे कीटों को नष्ट करने के लिए रासायनिक नियंत्रण का उपयोग और करना से बचना चाहिए साथ ही यदि बहुत जरूरी हो तो अत्यंत सावधानी के साथ रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए कोरोना काल में किसान रखे अतिरिक्त सावधानी विश्व भर में अभी भी कोरोना का दौर थमा नहीं है हमारे देश में भी नित नए मिलने वाले कोरोना के आंकड़े भयावह तस्वीर उत्पन्न कर रहे हैं सभी को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है विशेष रूप से हमारे देश का अन्नदाता किसान जो इस कठिन दौर में भी मुस्तैदी से अपने काम में लगा हुआ है खेती किसानी के कार्यों के लिए उन्हें मंडी और अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी जाना पड़ता है लेकिन इस दौरान सभी मास्क का उपयोग और निर्धारित दूरी बनाकर रखें घर पर बने सूती कपड़े के मास्क भी आपको संक्रमण से बचा सकते हैं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें पौष्टिक भोजन करें खेत में भी निर्धारित दूरी बनाकर रखें कृषि उपकरणों की साफ सफाई का भी ध्यान रखें बच्चों और बुजुर्ग घर पर ही रहें, आपकी थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकती है किसान भाइयों खबरें खेती की में इतना ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ नमस्कार किसान भाइयों आज आपने जाना कि रबी के लिए हम बीज की व्यवस्था किस प्रकार से करें अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए नमस्कार